मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू विजिट डिग्री। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपको कुछ ना कुछ हमेशा नया दिखाता हूं और आपके बेनिफिट का दिखाता हूं। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है पावर सप्लाई के ऊपर रहने वाली है। पावर सप्लाई की एक्यूरेसी क्या रहने वाली है उसके लिए मेरे पास ये मल्टीमीटर है और इस पावर सप्लाई से कई सारे फोन ऐसे होते हैं जो हमारे ऑन नहीं हो पाते, क्या इससे वो भी ऑन हो जाएंगे, चलिए हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो कंपनी की बात करें, ये आती है कारी कंपनी की और इसकी अगर करंट और वोल्टेज की बात करें तो ये आती है भाई 30 वोल्ट 5 एम्पीयर के अंदर। और इसकी अगर वजन की बात करें तो भाई ये होती बहुत हल्की है क्योंकि ये ट्रांसफार्मर में नहीं, ये SMPS के अंदर बनी होती है। तो SMPS का मतलब ये होता है अगर आपके घर की साइड में आप विलेज वगैरह में या कहीं पर हैं, आपके यहाँ पर थोड़ा सा वोल्टेज भी कम है तो ये पूरा का पूरा आपको आउटपुट इतना देगी जितना ये पीछे से अगर भले ही कम आ रहा हो मगर आगे आउटपुट बराबर देगी। तो चलिए टाइम को शॉर्ट करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो इसका प्राइसिंग रहने वाला है भाई 38 के आसपास इसका प्राइसिंग रहने वाला है। टाइम को मतलब शॉर्ट करते हुए मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूं और उसके बाद डायरेक्ट आपको मैं इसको इसके ऊपर चेक कराने वाला हूं और चेक कराने के साथ साथ फोन वाली बात है तो फोन भी हम इससे ऑन करके देखने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई अगर इसके अंदर से निकालें, ये पावर केबल निकलती है जिसको एक साइड रख देते हैं, उसके बाद इसके अंदर से निकालते हैं तो ये यूज़र गाइड निकलती है, इसको भी एक साइड रख देते हैं। यूज़र गाइड के बाद भाई हमारी निकलती है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई इतनी स्लिम है कि कई भाइयों की शॉप के अंदर अगर जगह नहीं होगी तो उनकी जगह मतलब कई भाइयों की शॉप के अंदर जगह नहीं होगी तो वो भी इसको इजीली रख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला 30 वोल्ट 5 एम्पीयर तो 30 वोल्ट 5 एम्पीयर इसके अंदर आखिर बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है, इसके अंदर सब कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है। जैसे अगर आपको वोल्टेज आउट करना है तो वो ऑन लिखा हुआ है, वोल्टेज ऑफ करना है तो यहाँ पे नीचे ऑफ लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आने वाला भाई एम्पीयर और ऊपर की बात करें तो यहाँ पर आने वाला है वोल्टेज। और इसके यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको क्विक चार्जर की सपोर्ट मिल जाती है जो कि क्विक चार्जर जैसे कि आप सब जानते हैं 3.0 होता है और उसके ऊपर जो निशान दिया हुआ है वही दिया हुआ है। चलिए इसका क्विक चार्जर वाली बात है तो वो भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर पावर वाली बात है तो इसके अंदर पावर लगा के ऑन कर लेते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर यहाँ पर पावर केबल लगाई है तो यहाँ का जो फैन है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गया, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा मगर ये फैन ऑन हो चुका है। इसकी अगर पीछे की बात करें तो इसके अंदर एक स्विच दिया गया है, जैसे ही हम इसको बंद करते हैं ये हमारी पावर सप्लाई बिल्कुल ऑफ हो जाती है और हमारा फैन है वो भी ऑफ हो जाता है। और जैसे ही हम इसको चालू करेंगे ये रहा, तो ये हमारा फट से इसके अंदर एक रिले की आवाज़ आती है और हमारा फैन भी ऑन हो जाता है। और इसके अगर सामने की बात करें जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 32 वोल्ट यहाँ पर इस टाइम पे दिख रहा है और यहाँ पर एम्पियर की बात करें तो नीचे दिख रहा है 4 एम्पियर। तो भाई इसके अंदर यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पर मेमोरी के अंदर सेट करी हुई है। M1 पे जाएंगे तो इसके अंदर आ जाता है 3.2 वोल्ट और 5 एम्पियर। चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं वोल्टेज लिखा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि करंट लिखा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं ऑफ लिखा हुआ है। अगर इसको ऑफ को हटाना है, ऑफ को ऑन में लेके जाना है तो यहां से हम जैसे ही इसको बटन को दबाएंगे यहां पर हमारा 00 आ जाएगा, मतलब ये हमारी ऑन हो चुकी है और यहां पर ये हमारा स्विच जो है ये ग्रीन हो जाएगा। इसको चलिए हम फिलहाल अभी बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद भाई ये जो देख रहे हैं ये वाला जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे यहां से आपका वोल्टेज सेट होने लग जाएगा। और जैसे ही मैंने अंदर प्रेस करा तो ये डिजिट इधर चली आएगी, 3 का मुझे 4 भी कर सकते हैं और 4 के बाद 5 भी कर सकते हैं और 5 के बाद 30 भी कर सकते हैं। और जैसे कि यहां इसकी रेड वाले बटन दिख रहा होगा आपको, जैसे ही मैं रेड प्रेस करता हूं यहां पर तो यहां पर हमारा जो है करंट सेट होने लग जाता है। करंट की अगर बात करें तो यहां पर हमारा 5 वोल्ट करंट की बात करें तो पूरा 5 वोल्ट करंट यहां पर चला जाता है। 5 अब यहां पे देख रहे हैं ना 2 वोल्ट आ चुका है, अब यहां पर देख रहे हैं 4 वोल्ट आ गया है और यहां देख रहे हैं पूरा 5 वोल्ट इसके अंदर करंट आ गया है। तो अभी हमें इतने करंट की तो जरूरत नहीं है, इसको लेकर जाएंगे तो हम इसको 2 एम्पीयर पे लेके जाएंगे। इसका जो करंट है वो हमने मतलब एम्पीयर वाली बात है तो वो हमने 2 पे कर दिया है, वोल्टेज वाली बात है तो वो 4.22 है मगर उसको हम कर देंगे 4 के बाद यहाँ पे हम कर देंगे इसका 5। तो भाई ये देखो मैंने इसके अंदर सेट कर दिया। अब ये जो मैंने इसके अंदर करंट और इसके अंदर वोल्टेज सेट किया है क्या ये हमारा सेम मल्टीमीटर पे दिखाता है या नहीं दिखाता है? यही एक्यूरेसी दिखाने के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ इस वीडियो के अंदर, नहीं तो मार्केट के अंदर कई सारी पावर सप्लाइयाँ मिलती हैं, मैं हर किसी की वीडियो नहीं बनाता। तो भाई चलते चलते चलिए मल्टीमीटर मैंने ऑन किया ही है तो चलिए थोड़ा सा मैं इस मल्टीमीटर के बारे में भी आपको बता देता हूँ। इसके अंदर फीचर वाली बात है तो फीचर तो भाई देखो स्क्रीन पे ये रहे आपके सामने सारे के सारे। कंपनी वाली बात है कंपनी भी आपको दिख रही है। मेनली क्या चीज़ है? एक्यूरेसी। इसके अंदर भी क्या ये एक्यूरेसी है या नहीं चलिए वो ही हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसको मल्टीमीटर वाली बात है, मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पर लगाया, इसको ऑन वाली बात है मैंने ऑन किया। अब मुझे इसको लेके जाना है वोल्टेज पे, तो मुझे इसको वोल्टेज पे लेके जाने के लिए ये मैंने वोल्टेज पे यहाँ पर इसको सेट कर दिया है और अब हम अपनी इसको पावर सप्लाई में लगाकर देखने वाले हैं। तो पावर सप्लाई में लगा के देखने के लिए इसकी ये नॉब हटा देंगे आगे से और नॉब हटाने के बाद भाई ये देखो
पावर सप्लाई में ये मैं लेके गया, इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया। जैसे ही मैंने इसको यहाँ से ऑन किया, यहाँ पर देखो भाई हमारा कितना करंट आ रहा है, और वो करंट हमारा इधर आ रहा है, ये देखो, देखो भाई वो करंट हमारा इधर आ रहा है और यही करंट हमारा इधर है। मतलब इसके अंदर अगर ऊपर नीचे की बात करें तो सिर्फ एक पॉइंट की बात है, पॉइंट का फर्क है, बाकी इसके अलावा करंट वाली बात है तो सेम करंट है। चलिए इसको भी करंट को थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। अभी मैंने मेमोरी जैसे इसकी M2 करी, M2 पे आ रहा है 16 वोल्ट, तो 16 वोल्ट ये करंट इधर दे रहा है या नहीं दे रहा, चलिए वो देखते हैं। तो भाई ये देखो 16 वोल्ट की बात है, पावर सप्लाई वाली बात है, पावर सप्लाई देख लो, लो एक बार ये रहा 16, और इसकी बात है तो ये देख लो, ये पूरा का पूरा मतलब 16 करंट दे रही है। भाई इसके अंदर जो एक्यूरेसी थी, यही मेरा मकसद था आपको दिखाने के लिए। चलिए अब फोन वाली बात है, तो मैं इससे एक आध फोन टेस्ट करके देख लेता हूँ क्या ये फोन ऑन कर पाती है नहीं कर पाती है। चलिए उससे पहले क्विक चार्जर वाली बात है, तो हम इसका चार्जर यूज करके देखेंगे। चार्जर के लिए भाई मैं लगाने वाला हूँ इसके अंदर केबल, तो मैंने लगा दी भाई यहाँ पर केबल। केबल लगाने के बाद मैंने इसको कर दिया पहले यहाँ पर, देखो मैंने इसकी आउटपुट बंद कर दिए, आउटपुट ऑन आउटपुट ऑफ, आउटपुट मैंने बंद कर दिए। फोन वाली बात है तो भाई ये रहा मेरे पास फोन, वन प्लस का फ़ोन है ये, अपने ही फ़ोन से क्विक चार्ज लेता है, बाकी देखते हैं। तो भाई ये तो 99% वैसे ही चार्ज है, तो मैं आपको वैसे ही को दूसरा फ़ोन दिखाता हूँ। तो भाई ये लगाया मैंने, ये रहा सैमसंग का फ़ोन, क्या ये चार्ज होता है या नहीं होता, भाई देखो ये आप ही के सामने, देखो चार्जिंग का साइन इसके अंदर आ गया है भाई, चार्जिंग का साइन इसके अंदर आ गया है। फ़ोन की चार्जिंग वाली बात है तो चार्ज भी ये होगा, तो भाई देखो चार्जिंग वाली बात है, चार्ज ये हो रहा है। एक्चुअली मेरी केबल के अंदर या पानी मतलब जैक के अंदर पानी गया हुआ है, जहाँ पर मैं ये केबल लगा रहा हूँ मैं चार्जिंग पोर्ट के अंदर, इसलिए साइन आ रहा है देखो। मगर चार्जिंग वाली बात है तो भाई ये चार्ज हो रहा है। इसके अलावा किसी भाई को डाउट ना रहे, तो मैं अपना जो फ़ोन अभी रनिंग वाला है हाल फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअली 65 वाट या 66 वाट वाला चार्जर लगता है, इसमें मैं इसलिए नहीं लगा रहा था। मगर देखो भाई चार्जिंग वाली बात है, चार्जिंग देखो इसके अंदर भी हो रही है। अब इसके अंदर फास्ट चार्जिंग वाली बात कहें तो इसके अंदर जो चार्जर होता है वो दूसरा लगता है, बाकी सैमसंग वगैरह का जो चार्जर होता है मेरे ख्याल से उस डिवाइस को ये फास्ट चार्ज कर देगा। देखो भाई इसके अंदर ये फीचर था। अब इसके अंदर जो एक फीचर बचता है, क्या ये फोन को ऑन कर पाती है नहीं कर पाती है, वो वाली बात बचती है। तो चलो फोन में अरेंज करके देखता हूं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो भाई एक्चुअली फोन तो मैं अरेंज नहीं कर पाया, चलिए अब इसको ओपन करके देखने वाली बात है, उसकी जगह पे मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। बाकी फोन वाली बात है, कभी इसको इंस्टीट्यूट लेके चलेंगे, वहाँ पे बहुत सारे फोन होते हैं, तब इसके ऊपर दोबारा से एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिलहाल इसको ओपन करने वाली बात है, तो ये मेरे पास एक गन है, उसकी मदद से हम इसको ओपन करके देख सकते हैं। तो भाई मैंने किया इसको ऑन, और ओपन करने के बाद भाई इसके अंदर ये सर्किट है, ये सर्किट देखो एक बारी, सर्किट तो भाई इन्होंने ज़बरदस्त लगाया हुआ है इसके अंदर। और सर्किट लगाने के साथ साथ यहाँ पर अगर जो मैंने अभी 3 पॉइंट वाला जो आपको फास्ट चार्जिंग बताया था, उन्होंने उसका तो बिल्कुल सर्किट अलग से ही लगा रखा है। ये रहा भाई देखो, ये है वो सर्किट। इसके अलावा इसके फ्रंट वाली LCD वाली बात है, तो उसका सर्किट इन्होंने बिल्कुल अलग से लगा के दिया हुआ है, जो कि इधर से दिख रहा है। और इधर पीछे की बात करें तो भाई देखो, इतनी बड़ी इन्होंने हीट सिंक यहाँ पे लगा के दी है। हीट सिंक का मतलब क्या होता है ये तो आप सब जानते ही हैं कि ये ठंडा रहेगा। और इतनी बड़ी हीट सिंक के ऊपर सिर्फ इन्होंने 3 ट्रांजिस्टर लगाए, इतनी बड़ी हीट सिंक पे सोच सकते हो 3 ट्रांजिस्टर लगाए, तो हीट सिंक किस हिसाब से काम कर रही होगी आपके सामने वाली बात है। तो भाई चलिए इसमें एक बारी प्लग और लगाते हैं। अब तो इसका मैं आपको फैन दिखाई सकता हूँ। तो भाई देखो फैन वाली बात है, तो इसका फैन चल रहा है। अब ये फैन चल के रुक जाता है, उसका क्या रीजन होता है, क्योंकि ये भाई ये हो जाती है ठंडी। अब जैसे जैसे ये गर्म होगी तो कंटिन्यू इसका फैन चलेगा, तो ये गर्म होगी तभी चलेगा, और वैसे इसका फैन नहीं चलने वाला है। तो भाई ये जो पावर सप्लाई वाली बात है, इस पावर सप्लाई के अंदर क्या था मैंने आपको दिखा दिया है। करंट वाली बात है तो हाँ, करंट की एक्यूरेसी इसके अंदर प्रॉपर दी गई है। इसके अलावा जो भाई भी इसको यूज कर रहे हो, कारी की पावर सप्लाई है, ऐसे नहीं कई भाई यूज नहीं कर रहे होंगे, कई भाई इसको यूज भी कर रहे हो, इसका रिजल्ट क्या रहने वाला है आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता देना। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी। और अगर ये मल्टीमीटर वाली बात है, इस मल्टीमीटर का प्राइस क्या है तो वो भी आपको बता देता हूं। तो भाई इसकी अगर बात करें तो ये 1000 रुपए का मल्टीमीटर आता है। इसके अंदर अगर बॉक्स के अंदर वाली बात करें तो इसके अंदर एक टेम्परेचर चेक करने वाली केबल और आती है। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू।